अगर आप फिल्म के बारे में बात करें तो विच इज पप्पू का डांस साला, इट्स रियली नॉट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि किस तरह का डांस है जो पप्पू नहीं कर पा रहा. इट्स बेसिकली द आइडियोलॉजी कि हम सब में एक पप्पू है जो हम छुपाना चाहते हैं. कई बार वो उभर के आ जाता है सामने और लोगों को पता चलता जाता है उसके बारे में, और कई बार ऐसे होता है कि हम छुपा सकते हैं. और ये जो कहानी है वो महक मलवड़े और विद्याधर आचार्य की कहानी है, और वो दोनों मुंबई शहर में आए हैं. एक बनारस से आया है और वो महाराष्ट्र से आई है, और कैसे ऐसे हालात हैं कि वो दोनों नेबर्स बन जाते हैं. And that's where the story and the comedy of errors starts, how they end up becoming neighbors and how they don't understand each other and how ek bilkul hi alag kisam ki ladki hai aur Vidya jo hai wo bilkul hi alag kisam ke insaan hai. So it's she who finds a pappu in him and that's why she says pappu kaan dansala. Pappu I think ek aisi emotion hai, jaise kehte hai na pappu giri ya pappu ya a pappu to kya kar raha hai, ek aisi emotion hai jiske bare mein jo hum sab chhipana chahte hain. Mere hisab se jo you know the pappu that lies in me is got a lot to do with using technology, kyunki jab bhi aap technology ki baat kare to main bilkul pappu ban jati hu. Well, मेरा जो किरदार है वो एक ऐसी लड़की है जो यू नो एक बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही ब्रैश, वो बिल्कुल जानती है कि वो क्या करना चाहती है, वो क्या नहीं करना चाहती. एंड इन लाइफ यू नो शी नोज एग्जैक्टली हाउ टू डील विद सिचुएशंस, और जिसे कहते हैं बहुत सख्त किस्म की लड़की है. एंड येट एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी जेंटल, शी इज़ वेरी काइंड, शी इज़ इमोशनल. तो देयर इज जस्ट अ लॉट ऑफ साइड्स टू हर विच आर सेंसिटिव एंड एट द सेम टाइम विच आर वेरी ब्रैश. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स दैट हैव बीन ऑफर्ड टू मी, एंड आईड लाइक टू थैंक सौरभ शुक्ला हु इज आर राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ द फिल्म टू ऑफर दिस टू मी. क्योंकि यू नो बहुत मुश्किल होता है जब इतने खूबसूरत किरदार और इतने कॉम्प्लेक्स और इतने लेयर्स वाले किरदार इतनी एक सिंपल सी कहानी में दिखाए जाते हैं, एंड स्पेशली फॉर अ वुमन. एंड दिस इज वन ऑफ दोज पार्ट्स दैट हैव बीन ऑफर्ड टू मी एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री, वी आर सच ग्रेट फ्रेंड्स, एंड इवन विनय एंड रजत एंड ऑफकोर्स सौरभ शुक्ला हु इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ माइंड आर्स. ही आई मीन कुछ ऐसा नहीं होता वहाँ पे सेट पे कि कोई प्रॉब्लम हो वाइल शूटिंग. इज ऑल फन एंड इट्स यू डोंट इवन फील फॉर अ मिनट दैट यू आर एट वर्क. विनय का जो किरदार है वो एक बनारस से आए हुए फार्मासिस्ट का किरदार है, और ही इज रियली रियली गुड इन द फिल्म. ही इज रियली फनी, और यू नो हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि जब भी हम कोई किरदार निभाएं लेट्स ऑलवेज बी क्लोजेस्ट टू द कैरेक्टर. एंड विनय काइंड ऑफ गेट्स इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर. जिस तरह की उन्होंने भाषा यूज की है, जिस तरह की उन्होंने अलग अलग यू नो नुआंसेस यूज किए हैं, यू रियली बिलीव दैट वो विद्याधर आचार्य ही हैं. वो विनय में जो एक ही चीज का डर है कि उनके आगे से जो उनको मीठा खाने का बहुत शौक है, तो उनको यही डर रहता है कि कोई खा ना ले उनके हिस्से का मीठा, तो वो खाना खाने के पहले मीठा खा लेते हैं. एंड ही फिल्स द स्टमक अप विद स्वीट्स. और रजत के बारे में द वन पप्पू गिरी दैट आई नो फॉर अ फैक्ट इज दैट वो जब भी उनको डांस करने के लिए कहा जाए तो उनके पसीने छूट जाते हैं. सो द फनीएस्ट पार्ट इज दैट ही इज प्लेइंग अ कोरियोग्राफर इन द फिल्म.